And to present the award, we'd like to invite on stage... Nana, abhi nahi. Ye hum batayenge aapko Saturday 5th October ko at the NRG Arena in Houston, USA. तुम्हारी जगह होती ना तो ये बात इतने आराम से नहीं जाने देती थी मैंने। खैर, लोगों के मसलों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, मेरे खुद के बहुत हैं। यार, इतनी सारी मैंने हेयर कट की कैटलॉग्स मंगवाई हैं, समझ में नहीं आ रहा मैंने बाल कटवाने हैं। क्या मैं सोची थी बॉब करवा लो? नहीं, कैरी करने की बात होती है तुम्हें पता है मैं कर सकती हूँ, मेरे पे अच्छा लगेगा। अम्मा नहीं इजाजत देंगी लेकिन देखना पड़ेगा। कुछ देखे मैंने हेयर कट्स? उफ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। हाँ, करी। आज तो इस शॉपिंग ने थका दिया मुझे। अम्मा, इतनी सारी शॉपिंग करके ले आई आप, पूरा बाजार ही तो नहीं लूट लाई? अरे, सारी ब्रांड्स पे सेल लगी हुई थी, 15-15 हज़ार वाले सूट 50% 70% डिस्काउंट पे मिल रहे थे। ना करें। हाय, मैंने तो पूरे 50 हज़ार की शॉपिंग की है भाई। जबरदस्त यार, बहुत अच्छा है। अम्मा, वैसे बात सुने, ये जब से अरमान दुबई से पैसे भेज रहा है आपको, कुछ ज्यादा ही शॉपिंग ही नहीं हो रही? ठीक कह रही हूँ, मियाँ के पैसे पे भी बहुत ऐश किया मैंने, लेकिन बेटे की कमाई की तो और ही बात है। मेरे लिए कुछ और लेकर आई है? हाँ, ये देख इसमें। वैसे अम्मा, वसीहा ताई ने ये कपड़े देखने हैं ना, कसम से अंदर तक जल जाएंगी। तो जले, उस पर तो फर्ज है मेरे हर सूट को देखकर चलना। तो एक काम क्यों नहीं करती आप, ऐसा करें अपने सारे सूटों की एग्जीबिशन लगा के इधर ही रखें। आज नहीं तो कल आना तो होगा ही उनका, नहीं तो आपकी शॉपिंग का मकसद कैसे पूरा होगा? ना, नजर लगवानी है मैंने क्या? वैसे वो कल से नाराज है, बेटी मांग रही थी मुझसे, मैंने साफ इनकार कर दिया, मुंह फुलाए फिर रही है, पूरी आ जाएगी 2-4 दिन में। आप लोगों की भी समझ में नहीं आती मुझे, 4 दिन सुलह 4 दिन नाराजगी। वैसे अम्मा, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, मैं सोच रही थी मैं बाल कटवा लूं अपने। अरे, कोई जरूरत नहीं है, पागल हुई हो, इतने अच्छे लग रहे हैं। जरूरत है ना, बहुत लंबे हो गए, गर्मी है बहुत, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। अच्छा, आप पैसे दे मुझे, मैं देख लूंगी मैंने क्या करवाना क्या है। दे, 2-3 हज़ार रुपए काफी है? 10 हज़ार रुपए चाहिए मुझे, 2-3 हज़ार पूरी दे दे, मैं गिन लूंगी खुद ही। कोई हाल नहीं है इस लड़की का, पैसा पानी की तरह बहाती है, बालों का क्या झाड़ झंकार बनाया हुआ। लो भाई, फसीहा बेगम, तुम तो जलकर कबाब हो जाओगी। अरीशा, अरीशा। अरे वाह अम्मी, आप तो कानों में स्टफ डलवा के बहुत ही मॉडर्न हो गई हैं। देखा मेरा आइडिया भी कितना खूब रहा। अब शमा चाची ना आपको देख के खूब जलेंगी। इसे रहने भी दो, तुम्हारी बातों में आके ना मैं भी बिला वजह बेवकूफ बन गई। अब हाशिर और अब्बास पता नहीं मुझे क्या क्या बातें सुनाएंगे। और ये तुम क्या कर रही हो? मैं आउट ऑफ फैशन कपड़े निकाल रही हूँ, छानती कर रही हूँ। तो बा, तुम तो ऐसे कपड़े सिलवाती हो जैसे किसी नवाब की बच्ची हो। हाँ, तो खैरात भी तो निकालती हूँ ना साथ साथ। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, ये जाके मशल को दे आती हूँ। ये सारे कपड़े मशल को दे दोगी? अम्मी, बिस्मा आप ही तो लेने से रही। हाँ भाई, उन माँ बेटियों का तो नखरा ही बड़ा है। क्यों ना हो, बाहर से बेटे की कमाई जो आ रही है, हमारी तरह थोड़ी कि एक हाशर की कमाई है। तुम्हारे अब्बा तो बस बराए नाम ही कमाते हैं। जा, दे आओ खैरात। आबादा, आबादा, आखजा, आखजा, आजेना, आजेना, आमारा, आमारा, और हसदा, हसदा, हशरा। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ बेटा। लो बेटा, तुम बैठो, सबक याद करो जाके। शाबाश। मशल, इधर आओ।
ये देखो मैं तुम्हारे लिए नए नए कपड़े लेकर आई हूँ, ये सब तुम्हारे लिए। रिशा भी इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा, तुम मेरी दोस्त हो और मेरी बहन भी हो। अच्छा अब आप ये देख लीजिएगा, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं बैठो ना थोड़ी देर, हमेशा हवा के घोड़े पे सवार रहती हूँ। पापा जी घर में बहुत काम है, और वैसे भी आजकल मशाल के एग्जाम्स हो रहे हैं, एक दफा एग्जाम से फारिग हो जाए फिर मैं खूब आके बैठूंगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। शाबाश बच्चों, अच्छे से याद करो सबक, ठीक से पढ़ना। हाँ शाबाश शाबाश। सारी की सारी उधरन इतने मजे से कहकर गई है मुझे कि तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आए, और लाई उतरने मेरे नसीब में तो बस उतरने ही रहे। यूं नाराज ना हुआ करो बेटा, उतरने कैसे, वो है तो नहीं है, बहन है तुम्हारी। बहन कभी समझा मुझे उन्होंने बहन, ना रिशा आपी ने और ना ही बिस्मा आपी ने। जो बदगुमानियां अच्छी नहीं होती, अपने दिल को बड़ा करो। मैं तो बड़ा कर लूं दिलापा जी, लेकिन वो कभी नहीं करूंगी। कलर कितना अच्छा लगेगा। वैसे तो ये कलर भी अच्छा है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी चॉइस ही बिस्मा की चॉइस होगी। जो मैं पसंद करूंगा उसको वही पसंद आएगा। Hello. Thank you so 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 much. इतना सब कुछ ले लिया मेरे लिए। अच्छा बताओ ये गिफ्ट कैसे लगे, पसंद आए या नहीं? ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे लिए कोई चीज लो और मुझे अच्छी नहीं लगे। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? मैं बताती हूँ, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा। मुझे कार्ड। कार्ड क्यों, उसमें ऐसी खास बात क्या? उसमें लिखे खूबसूरत अल्फाज, ऐसा लग रहा था जैसे उन अल्फाज ने मेरी मोहब्बत और चाहत को जबान दे दी हो। वाकई सबसे खास ये कार्ड ही है। अच्छा बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगा? सब कुछ ही बहुत अच्छा है, मुश्किल है सेलेक्ट करूं, लेकिन फिर भी अगर पूछ रहे हो तो मेरा ख्याल है कि सूट सबसे ज्यादा अच्छा है। अब सोच रही हूं कि इसे मैं अपनी बर्थडे पे पहन लूं, क्या ख्याल है? अरे वो तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट ही तो है, उसमें जो कुछ भी है वो तुमने अपनी बर्थडे पे पहनना है, समझी? हाशिर कौन सा ब्रांड से लिया तुमने ये, मुझे कोई टैग नजर ही नहीं आ रहा। यार ब्रांड शांड का मुझे क्या पता, मैं सीधा साधा सा आदमी हूं। जो अच्छा लगा खरीद लिया तुम्हारे लिए। अच्छा खैर ये बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगली दफा मेरे लिए सूट लेना हो ना तो मुझे प्लीज बता के जाना, एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, वहां पे 4-5 जोड़े मुझे बहुत पसंद आए हुए, वो ले लेना मेरे लिए प्लीज। अच्छा बाबा अच्छा, आइंदा हर चीज ब्रांडेड होगी। ओके
वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं कितनी खुशनसीब हूँ ना जो मुझे तुम्हारा साथ मिला है. इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, इतने खलूस से, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या कुछ उठा लाते हो मेरे लिए. थैंक यू. लगी तो तुम वाकई हो कि तुम्हें हाशिर की मोहब्बत मिली, वरना हाशिर किसी पे फिदा होने वाला नहीं है. अच्छा जी, जानती हूँ. तभी तो डर लगता है मुझे तुम्हारी मोहब्बत मुझे कहीं मकरूर ना बना दे. अरे अरे, मकरूर नहीं हो ना, मकरूर हो गई तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा. अगर मेरे साथ आपका साथ है तो फिर हम जहाँ पे भी हों, जिस भी हालात में हों, गुजारा करना मेरा काम है. उसकी परेशानी आपको लेने की जरूरत नहीं है. आशिर, मेरा ख्याल है अम्मी बुला रही है मुझे, बाद में बात करूंगा. बाय. अबू कहाँ गए? मैं उनके लिए खाना लेकर आई हूँ. आज पहली तारीख है ना, आशिर को तनख्वाह मिली है. तुम्हारे अबू आपा जी को महीना देने गए. ये भी ना खाम खा की मुसीबत है. अरे इसी 10,000 की मैंने कमेटी डाली होती ना तो अच्छी खासी रकम मेरे पास इकट्ठी हो जाती. वैसे अम्मी वो दो ही तो लोग हैं, आप मशीन को रख लें, घर काम काज करा लेगी, और आपा जी को बैठ चाचा, और यूं महीने का दर्द सर खत्म. बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, ये इतना अच्छा आइडिया मेरे जहन में क्यों नहीं आया? क्योंकि आप शम्मा चाची के अलावा किसी और के बारे में सोचती हैं. क्यों, मैं कोई इतनी फारिग हूँ कि शम्मा के बारे में सोचती रहूं? ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. वैसे अरीशा, बात तो तुमने बड़ी अच्छी की है, मगर उबैद और अब्बास नहीं मानेंगे. ले अम्मी, आप और अब्बू से कोई बात ना मनवा सके, ऐसा तो कभी नहीं हुआ. और शम्मा चाची वो अभी जिद की पक्की हैं, और ये बात उनकी भी तो फायदे की है ना. आप उनको शीशे में उतार लें और वो बैठ चाचा को उतार लेंगी, और यूं आपका मसला हल हो जाएगा. ठीक है, मैं आज ही अब्बास से बात करूंगी. बहुत खुशी होती है मुझे जब आप लोग आते हो मेरे बच्चों. ये लीजिए आप. अल्लाह सलामत रखे तुम लोगों को. ये ले जी, लाओ आप सबकी गरम गरम चाय भी आ गई. हाँ तो मशल बेटा, तुम्हारे पेपर कैसे हो रहे हैं? हाय अबा, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर्स तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, बस आप लोगों की दुआओं की जरूरत है. अरे बेटा, तुम्हारे पास दुआएं करने के लिए हमारी आपा जी जो मौजूद हैं, और भला इनके होते हुए तुम्हें किसी और की दुआओं की क्या जरूरत है? अरे बेटा, मैं तो अपनी सारी औलाद के लिए दुआएं करती हूँ. आपा जी, बुरहान बेटे के लिए खास तौर पर दुआ कीजिए. वो मशल के साथ पेपर्स तो दे रहा है लेकिन पढ़ता नहीं. अरे बेटा, उसको तो शमा के लाड प्यार ने तबाह कर दिया है, मगर तुम पर जरूरी है ना कि तुम उसके साथ सख्ती करो. ये लड़कों के लिए तो तालीम बहुत जरूरी है बेटा. जी अब ताया अब्बा, चचा जान, मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी कर लूँ, आप लोग चाय पिए बातें करें. आपा जी ये लीजिए. अरे बेटा, तुमसे खर्चा लेते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, आखिर तुम्हारे अपने भी तो अखराजात हैं घर के. ये क्या कह रहे हैं आप अजी? आप हमारी माँ हैं, पर आपका हम पर हक है. मेरी तो दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे. वो ये रख लीजिए आप अजी, रख लीजिए ना. जीते रहो बेटा. दुआ किया करें अल्लाह हमें इसी तरह आपकी खिदमत करने की तौफीक दे. आमीन. बेटा मेरी तो दुआएं हर वक्त तुम लोगों के लिए, अल्लाह तुम लोगों के कारोबार में बरकत डाले, तुम्हारे लिए आसानियां पैदा हों. आमीन. चलो चाय तो पियो. बिस्मा आपी, बिस्मा. अरे वाह, कटिंगे शटिंगे मॉट स्कॉट, अच्छे लग रहे हैं ना. इतनी मुश्किल से मैंने अम्मा को मनाया, कटवाने ही नहीं दे रही थी बाल. अरे वाह, ये सब चीजें. पीछे हट जाओ एकदम, किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, जान ले लूंगी तुम्हारी.
अच्छा, कहां से आई ये चीजें, किसने दी हैं? एक तो ये बदतमीज आदमी मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे में आके खड़े हो गए हो, ऊपर से हिम्मत तुम्हारी कोई देखे जरा, मेरे से सवाल जवाब कर रहे हो, दबाओ यहां से। अरे अरे क्या करी तुम, ऐसे बिहेव करी जैसे मैंने कोई तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो। तुमने मेरी क्या चोरी पकड़नी है, आया बड़ा मेरी चोरी पकड़ने वाला। वैसे तुम लड़कियां भी ना बड़ी बड़ी अजीब होती हो, चावल बनाती हो तो फेसबुक पे लगा देती हो, चाय पीती हो तो आधा कप बचा कर वो भी फेसबुक पे लगा देती हो, जिसे फेसबुक बनाएगा ना वो अपना सर पीटता होगा कि मैंने क्या बना दिया। तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारा बिल आ रहा है, तुम्हें कुछ कह रहे हैं हम। मुझे क्यों तकलीफ होने लगी, तकलीफ तो उन्हें होगी जो ये सब कुछ फेसबुक पे देखेंगे। वैसे ना चाहते हुए भी कमेंट जरूर करेंगे, वाओ ब्यूटीफुल क्यूट। हां तुम्हें पता तुम्हारा मसला क्या है, खुद की जिंदगी में तो कोई खुशी है नहीं, ना अपनी कोई अचीवमेंट्स है, तो वक्तन फवक्तन दूसरे लोगों को देख के सड़ जाते हो तुम। मैं सड़ूंगा, मैं क्यों सड़ूंगा, सड़ेंगे तो वो लोग जो इसको देखेंगे, पूरी रात सड़ते रहेंगे। और ये फेसबुक जो है ना वो आप ये बताना पसंद करेंगे मुझे कि मेरे कमरे में तशरीफ क्यों लेकर आए हैं आप, जबकि आपकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। वैसे मेरे भाई ये जो फ्री टाइम मिलता है ना आपको, इसमें कभी पढ़ के भी देखें, फायदा होगा आप ही का। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं पढ़ ही रहा था, मैं तो पढ़ते पढ़ते मुझे चाय की तलब हुई तो मैं नीचे आ गया। अच्छा खैर छोड़ो, प्लीज मुझे चाय बना दो। कॉन्फिडेंस देखे को मेरे भाई का, तुम्हारे डैडी ने मुलाजमा रखा है मुझे, दफा होके जाके खुद बनाओ अपनी चाय, मैं नहीं बना रही हूँ, उठो निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। बेइज्जती राना करवा ले जब तक अपनी निकलता ही नहीं है। एक और लगा लूँ बस। क्या बात है, अकेले अकेले फल फ्रूट खा रही, सुला भी नहीं मार रही। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें खूब खिला पिला कर भेजा होगा, आज मुट्ठी जो गर्म की है तुमने उनकी। उफ, हर महीने की पहली तारीख को तुम्हारी ये जली कटी बातें जरूर सुननी पड़ती। क्यों ना सुनाऊं, मुफ्ते का भत्ता जो लगाया हुआ आपने उनका। ये क्या बकवास है, वो मेरी माँ है, कोई चोर डाकू नहीं है, आज तक कुछ नहीं मांगा मेरी माँ ने मुझसे। मांगने की क्या जरूरत, वैसे जो तुम उनके इशारों पर नाचते रहते हो हर वक्त। जरा सी भी शर्म नहीं है तुम में, जरा सी भी। तुम्हारा बेटा अरमान जो कमाता है तुम उसकी कमाई नहीं खा रहे, मेरी और अरमान की कमाई उड़ा रही हो तुम, हजारों रुपए के सूट खरीदती हो, मैंने कभी एतराज किया? अगर मैं अपनी माँ को सिर्फ 10,000 रुपए देता हूं तो तुम्हें तकलीफ हो रही हद। अच्छा तो अब तुम मुझसे पाई पाई का हिसाब लोगे हैं? अरमान मेरा बेटा है, पाल पोस के ये करियर जवान किया मैंने उसे, अरे उसको मैंने पढ़ाया लिखाया, सिविल इंजीनियर बनवाया, तो क्यों ना खाऊं मैं उसकी कमाई। पापा जी ने भी हमें पाल पोस के बड़ा किया है, मेहनत की हम पे। मेहनत के साथ साथ पटियां भी खूब पढ़ाई है। वैसे तुमसे तो बहस करना ही फजूल, जरा शर्म नहीं है तुम। जी आप बेटा, पढ़ पढ़ के थक गई है मेरी बेटी, चलो थोड़ा आराम कर लो। शाबाश, आए ना मेरे पास बैठे, मैं आती हूँ। मैं
इतना ना पढ़ा करो, आराम किया करो ना थोड़ा। पापा जी पढ़ूंगी नहीं तो मेरा ख्वाब कैसे पूरा होगा? ख्वाब? कैसा ख्वाब? आपको पता है मैं ना पढ़ लिख कर लेक्चरर बनना चाहती हूँ, फिर प्रोफेसर बन जाऊंगी, फिर मैं लूंगी अच्छा सा घर, छोटी सी गाड़ी जिसमें सिर्फ मैं और आप घूमा करेंगे, खूब मजे करेंगे। सिर्फ मैं और तुम, और कोई नहीं? नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं, सिर्फ मैं और आप, हमारे बीच कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। ये तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। पापा जी आप प्लीज मेरे लिए दुआ करें ना कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। पता है मेरी कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, ना ही कोई दुआ पूरी होती है, लेकिन बस ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। ऐसा नहीं कहते, हर दुआ के, हर ख्वाहिश के पूरा होने का वक्त होता है, बस अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कल और भरोसा होना चाहिए। पता नहीं आप कैसे इतना पक्का तवक्कल कर लेती हैं, भाई मुझसे तो नहीं होता, एक दिन भरोसा करती हूँ अगले दिन ही टूट जाता है। ये सब ईमान की कमजोरी है बेटा। ले अच्छा भला तो है ईमान, कमजोर कहाँ से हो गया? ईमान मजबूत हो ना बेटा तो ना तवक्कल कमजोर होता है और ना भरोसा। बस तुम वो दो ही तो लोग हैं, मशल को आप रख ले, घर के काम काज करा देगी, और आपा जी को बैठ चाचा, और यूं महीने का दर्द सर खत्म। ये पानी ले लो। तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ बस नींद नहीं आ रही थी मुझे। सो जाओ। वो ना मुझे जरूरी बात करनी थी तुमसे, हाथ भी तुम आए थे तो खाना खाकर जल्दी सो गए तो बात नहीं कर सकी। भई ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है जो इसी वक्त करनी जरूरी है? देखो ना तुमने तो सारी जिंदगी ढंग से कमाया नहीं है, घर का सारा खर्चा हाशर के कंधों पर है। क्या यही जरूरी बात थी? नहीं, वो जो आपा जी को 10,000 महीने का देते हैं वो भी तो हाशर की जेब से जाता है ना। मतलब? नहीं वो मैं कह रही थी कि अगर मशल को हम अपने पास ले आए और आपा जी को उबैद ले जाए तो खर्चा बच सकता है। अच्छा तो तुम ये चाहती हो कि आपा जी अपना घर छोड़ के हमारे घरों में आ जाए। फसिया बेगम, आपा जी की जो इज्जत भरम उनके अपने घर में है यहां नहीं हो सकता। वैसे भी आपा जी मशल के बगैर तो एक मिनट भी नहीं रह सकते। आजम और हिना की वफात के बाद
कैसे उन्होंने मशल को पाला है सब जानती हो ना तुम? हाँ हाँ जानती हूँ। मशल ने कौन सा सदा आपा जी के साथ रहना है? आखिरकार उसने शादी होके भी तो जाना है, तो क्यों ना आज से? बस इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बेवकूफ औरत, पैसे बचाने के चक्कर में ना जाने क्या क्या फॉल फॉल सोचती रहती है। मैं भी अपनी पूरी कोशिश जारी रखूंगी, देखती हूँ। अम्मी जल्दी से नाश्ता दे दें, पेपर देने जाना है, देर हो गई है। बेटा पेपर कैसे हो रहे हैं? अच्छे। और मैंने तो तुम्हारे हाथ में कभी किताब नहीं देखी। अब अबू हर वक्त दिखा दिखा के तो पढ़ने सर आपको। पता नहीं जो देखो। बदतमीज, तुम्हें बात करने की तमीज भी नहीं रही? क्या तालीम ये सिखा रही है आजकल की? न बड़ों का अदब न लिहाज। क्या हो गया तुम्हें? सुबह सुबह शुरू हो जाते हो बस। पहले अपने बेटे को तमीज सिखाओ। हुलिया देखो इसका, हुलिया जोकर लगता है, जोकर। ना स्टूडेंट लगता है, ना किसी शरीफ खानदान का बेटा। कोई बात नहीं, फैशन है, आजकल सारे बच्चे ऐसे ही फैशन करते हैं। नहीं, तुम जैसी माँ ही बच्चों को खराब करती है। फैशन के नाम पे बदतमीजी सिखाई, और पढ़ाई तो है नहीं, फैशन में सबसे आगे। हो गया आपका? डांटने के अलावा आपको और भी कुछ आता है या नहीं? ठीक है, मुझे निकलना है। अरे बुरहान, बुरहान मेरे बड़े बच्चे, मेरी बात तो सुन। अच्छा ठहर जा, वॉलेट निकाल, जाना नहीं। देर हो रही है मुझे। रुको, आई हाय छोड़ो ना, जल्दी करें। ठहर जा, ये ले मेरा बच्चा। मुझे नहीं चाहिए इनके पैसे। अरे इनके नहीं है, हमारे हैं। ये ले, नाश्ता करके ना तूने पेपर देना, खाली पेट पेपर नहीं देते। जा अल्लाह के वाले। तुम भी ना, सुबह सुबह मेरा बच्चा नाराज करके भेज दिया, खाली पेट गया घर से। तुम उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। शमा याद रखना, एक दिन तुम पछताओगी। अरे जानती हूँ भूख लगी हुई है तुम्हें, भला तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ मैं। ये लो खाओ। पापा जी, पापा जी। हाँ बेटा, जा रही हो? जा रहे। ठीक है, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा मेरे लाल। तुम्हारे जाते ही तो जान नमाज पर बैठ जाती हूँ दुआएं करने के लिए। चल अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये लो बेटा, ये जाते जाते बाहर फकीर को दे दो। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे मेरे लाल, और ये तुम अपने लिए रख लो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरे लाल। अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखना। मेरी जान कैसे हो? आज मैं सुबह से तुम्हें याद कर रही थी बेटा।
जी अम्मी, मैं भी आज आपको बहुत याद कर रहा था। अच्छा, देख इसीलिए तो कहते हैं दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता होता है माँ और औलाद का, दोनों के दिल मोहब्बत की तार से जुड़े होते हैं, नहीं? जी अम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। परदेश में रह के तो ये मोहब्बत और भी बहुत ज्यादा याद आती है और इसकी कदर भी बहुत महसूस होती है। हाय, मैं सदके। मेरा बच्चा, शादी के बाद भी याद रखना इस मोहब्बत को, आजकल तो लड़के दूसरे दिन ही बदल जाते हैं। अरे अम्मी, कैसी बातें कह रही हैं आप? आपको अपने अरमान पे भरोसा नहीं? तुम पर तो मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। सारी दुनिया बदल सकती है पर मेरा अरमान नहीं बदल सकता। अच्छा अम्मी, मैं आने की तैयारी कर रहा हूँ, बस अचानक किसी दिन आपके पास आ जाऊंगा। क्या, इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी तूने मुझे, हर वक्त मेरी आंखें दरवाजे से लगी रहेंगी अब तो। अच्छा अम्मी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें, बल्कि ऐसा करें कि बिस्मा, अबू और भुरान से भी पूछ लीजिएगा। कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन ऐसा कर, बिस्मा की सारी मशीनरी लेते आना और मेरे वो थोड़े से कपड़े और दो सोने के कड़े, बस बाकी कैश ले आना। जी ठीक है अम्मी। अच्छा रुक, मैं बिस्मा को बुलाती हूँ, वो तुझे बताएगी क्या क्या चाहिए। बिस्मा, 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 हाँ जी, तुम ऊपर क्या कर रही थी? मैं टेरेस धो रही थी। क्यों, लग तो नहीं रहा कि तुम टेरेस धो रही थी। खैर, अरमान का फोन आया था, आ रहा है मेरा बच्चा, पूछ रहा था बिस्मा से, पूछे क्या क्या लाना है, तो अब फोन कट गया, तुम बाद में बता दे। वाकई कब आ रहा है? ये तो नहीं पता कि कब आ रहा है, लेकिन खैर से आ रहा है, चीजें लिखवा देना उसे। ये क्या पूछ बैठा वो मुझसे अम्मा, मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी है चीजों की, अरे चाहिए क्या क्या मुझे, लिस्ट बना के लाती हूँ। अरमान, एक तो तुम फेसबुक पे भी नहीं हो, तो मैं तुमसे कॉन्टेक्ट कर सकती, मैं कितना दिल चाहता है कि मैं तुमसे बातें करूँ, वो भी मोहब्बत भरी। अल्लाह मियाँ, एक बार तो मेरी इनसे बात करा दें, मैं भी इनको बताऊँ मैं इनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। बिस्मा भी ना खाम खा दूसरों का दिल जलाती रहती है, अब अगर गिफ्ट मिल गए हैं तो दूसरों को दिखाने की क्या जरूरत है? जो छोरी कहेंगी। सुबह होते साथ ही इस मनहूस मोबाइल के अंदर घुस जाती हो, किसी काम काज की फिक्र है कि नहीं? अम्मी, ये बहुत काम की चीज है, किसी के घर में क्या मसला है, क्या पका है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, सबकी खबरें मिल जाती है। देखे ना बिस्मा, आप ही को ना इतने गिफ्ट मिले बर्थडे पे। हाय, बिस्मा को इतने सारे गिफ्ट्स मिले? तस्वीरें तो यही बता रही हैं। खैर मेरी बला से, अब तुम मेरी भी तो बात सुनो। वो आपा जी और मिशेल वाली बात पे ना तुम्हारे अब्बा तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे अम्मी, तो आप खामोश हो जाएं और शम्मा चाची को आगे कर दें, वो तो आग भड़काने में माहिर है ना। हाँ नहीं, लेकिन मैं उससे नाराज हूँ आजकल। अरे अम्मी छोड़े नाराजगी को, अपना मतलब निकाले ना। हाँ मैं जाती हूँ उसकी तरफ। अच्छा अम्मी, मैं भी चलती हूँ, बिस्मा आप ही को बर्थडे विश कर दूंगी। तुम्हारे दिल में आजकल बिस्मा की मोहब्बत बड़ी जाग गई है। अम्मी, उनसे बना के रखना भी जरूरी है, कजन जो ठहरी। अच्छा जल्दी करो। वालेकुम। जीता रहे मेरा बच्चा, खुश है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, ठीक हूँ। चाय पियोगे? अरे नहीं आपा जी, नाश्ता करके आया हूँ, चाय की बिल्कुल तलब नहीं हो रही। अरे कोई बात नहीं बेटा, दादी के हाथ से भी एक कप पीते जाओ। दादी के हाथ से चाय पीने में लग गया ना तो ऑफिस से निकाल दिया जाऊंगा। अच्छा ये आपका खर्चा और इसमें मशाल के पैसे भी है, शाम को मैं राशन ले आऊंगा। शुक्रिया बेटा। अरे तुम्हारी वजह से ही तो हमारी इज्जत और भरम कायम, वरना उबैद और अब्बास के पैसों से तो बस
मिल जाते हैं, छोटे मोटे अखराजात पूरे हो जाते हैं। अच्छा शुक्रिया ना बोला करें आप, आखिर ये मेरा भी तो फर्ज है ना कि आप लोगों का ख्याल रखूं। हाँ बेटा, सारी बात एहसास की होती है। तुम मेरा और मिशेल का कितना ख्याल रखते हो, माँ बाप को बगैर बताए हमें खर्चा देते रहते हो। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ फसीहा को पता चल गया अगर कैसा तूफान खड़ा कर देगी वो। इसीलिए तो आप लोगों का खर्चा निकाल कर उनको तनख्वाह बताइए, वरना आप तो जानती हो एक एक पाई का हिसाब रखती है वो तो। बस क्या किया जा सकता है। चले मैं निकलता हूँ, ऑफिस से देर हो रही है। अच्छा मेरे बच्चा खुश रहो, अब आते हो, अल्लाह तुम्हें इतना दे कभी किसी चीज की कमी ना हो। आमीन। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह सुमेरा क्या बताऊं, मेरा बेटा इतना फरमाबरदार है, मेरा हर हुक्म जो है ना उसके लिए पत्थर पे लकीर की तरह है। शमा दरवाजा खोलो। ससुर मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, मुसीबत आ गई। अल्लाह हाफिज़। आ रही हूँ, रुको। अस्सलाम वालेकुम फसीहा भाभी। वालेकुम सलाम, कैसी हो शमा? ठीक। अस्सलाम वालेकुम शमा चाची। हरीशा जी, आज तुम कैसे आ गई? वो बिस्मा आप ही से मिलने के लिए। चलो जाओ कमरे में मिल लो, बैठे। शुक्र है भाभी आपका मूड तो ठीक हुआ, उस दिन तो बहुत खफा होकर गई थी आप। बात ही ऐसी थी कि मूड ठीक करना पड़ा। और शमा ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। क्या मतलब? देखो शमा, हम हर महीने आपा जी को 10,000 देते हैं, ये वो किस खाते में जाता है? हमारे बेटों की कमाई कोई फजूल थोड़ी है जो ये दादी पोती उड़ा ले। तो क्या करूं, मुझे तो खुद इतनी तकलीफ होती है, लेकिन इस उबैद को कौन समझाए? अरे तुम समझाओ, ऐसा करो कि आपा जी को तुम रख लो, मिशेल को मैं रख लेती हूँ, दो वक्त की रोटी की बात है ना, जो पकेगा वो भी खा लेंगी, और इससे जो खर्चा बचेगा ना उसे हम लाखों की कमेटी डाल सकते हैं।